जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरप्रस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया। वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भैया बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, वो कैसे कराते? जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वो सूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वो सूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य, जो संकल्प था उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आप सबने देखा होगा, ये कोरोना महामारी पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया को पस्त की हुई है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ और दुनिया के सामने एक नजीर है। और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना, उसे लागू करना, चाहे वह फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब फ्री में अन्य योजना का लाभ भी। डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलेगा। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? इसका मतलब जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आप सबने संकल्प ले लिया कि अब उनको पूरी तरह उनका ही विरोध कर देना है। कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, क्या वे ठीक कर रहे थे? वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।